हाय दोस्तों, मेरा नाम है राघव बिंद्रा और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अरे यार, अबे शिवम, तुझे कितनी बार बोला है ये सुबह सुबह बम्बा चलाकर मेरा दिमाग मत गरम किया कर, वरना अभी आकर उठाकर पटक दूंगा तुझे। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि हम ही हैं शिवम, और अभी तक आप जिनकी आवाज सुन रहे थे वो हमारे बड़े भाई हैं राघव। ये बता, ये तू अब किससे बकैती काट रहा है? तू भी रील बनाने लग गया क्या? रील नहीं, मैं फिल्म बना रहा हूं। और हाँ, अब आप लोगों को मेहनत और किस्मत के बीच कनेक्शन देखना है तो मुझे फॉलो कीजिए, बाकी तो आप सब जानते हैं। अरे भैया, ये क्या बात हुई? आप हमारा कोट पहन के इसमें नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उतारिए इसको, हम इसे SDM बनने पर पहनेंगे। चलो उतारो इसे। जब ना इससे इनकम होने लगेगी, एक रुपया भी नहीं दूंगा तुझे। इनकम भैया, उसके लिए चेहरे पर संदीप महेश्वरी जैसी सादगी और सुंदर चेहरे के साथ सफल होना जरूरी है। छोटे, किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है जो हमेशा मेरे साथ चलती है। और वैसे भी तूने भारती का नाम सुना ही होगा, जानता है कितनी पॉपुलर कॉमेडियन है वो। भैया, उसने मेहनत की एक जलती लव है जिसने उसे उस इंडस्ट्री में चमका के रखा है। वो आपकी तरह किस्मत पे भरोसा करके नहीं बैठी थी। मेहनत, मेहनत तो पता है एक मजदूर भी बहुत करता है। क्या कभी किसी मजदूर को तूने करोड़पति देखा है? और वो सब छोड़, तू अपना देख, तू भी तो जिंदगी भर मुझसे ज्यादा मेहनत करता आया है ना। अपनी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट उठा के देख ले, वो सब बता देंगी कि किस्मत आगे चलती है या मेहनत। जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो मेहनत कर। अरे यार, ये जो अपना ज्ञान है ना, तू अपने पास रख, ठीक है? और वैसे भी जिंदगी जीने का जो अनुभव है, मेरे पास तुझसे 2 साल ज्यादा है। जिंदगी जीने का अनुभव है इनको, और पान खाने के लिए पैसे हमारे कब से लेके जाएंगे? जो खैले मोर पनवा जीत ले जुबनवा, जो खैले मोर पनवा जीत ले जुबनवा। अरे अरे राघव भैया, काल देखो तुम आए नहीं दुकान पे हैं, अब पूरा दिन हमारा खाली गया। देखो अरे काका, ये उधर का चूना उधर लगाइए, ये हमारे पान में मत लगाइए, ज्यादा हो गया पान में चूना। पान खा एक सौ रखा तो है, लेकिन चूना कम लगवाइयो। अरे काका, अब ये अभी चूने से मुंह काट ले हैं तो फिर शादी के बाद। हेलो। हाँ जान, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, करते हैं थोड़ी देर। आप बाबू पान की दुकान पे पढ़ाई कर रहे हैं? अबे तेरी माँ की। अरे 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 अरे, जाए दो राघव भैया, जाए दो। बहुरिया भाग जाए। अरे जाए दे तो, छोड़ो ये सब। ये बताओ, बाबू शादी वाली बात कभी पूरी कही? तो बताई दे। ऐसे नहीं बताएंगे, पहले फ्री का पनवा खिलाइए तब बताएंगे। तुमका फ्री का पान खवाई है, अब तोहरा काकी हमका फ्री कह दे हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ का मैच देखे रहो? अरे छोड़ो काका, शर्मा जी का लड़का तो लंका लगा दी इस रहे। वो तो कहो सिट्टी साहब के दामाद और कोहली भैया लाज बचा लिए, वरना गवा था मैच। अरे भैया, जब दीन दयाल दया करिए, वही ससुरे का करिए। अच्छा पैसा लाओ, पान बनाई दी कुमार। का काका, यही दोस्ती यही प्यार है, बीच में ही चंद पैसों की दीवार। अबे कहें तुमका, हम तुमका फ्री पान खवाई दे, तुम्हारा काकी हमका फ्री कह दे हैं। ये लिखा आवा मजा लियो लियो मनिया तो ना काका। क्या करी बच्चा। ए SDM, खाना क्या है? जो खाना बना लो। क्या 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 ऐसे बात करते हैं बड़े भाई से? तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते,
मम्मी पापा या तो तुमको बाहर से उठा के लाए या तो मुझे। अबे कमरे में बैठे हुए लगा लिए हो क्या? नहीं, पैसे चुरा के तमाकू वाला पान खा के आए। बतमीजे करोगे। रुको पापा को फोन लगाता। हाँ, मिलाओ पापा को फोन मिलाओ। और फिर पापा को यही बताना कि पान की दुकान पर गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ते हैं और फिर कोई टोकता है तो माँ बहन की गाली देते हैं उसको। और ये जरूर पूछ लेना आखिरी में कि किसे उठा कर लाए थे, मुझे या तुम्हें। ए छोटे, क्या काका के यहाँ सीसीटीवी लगवाया होगा? सीसीटीवी नहीं लगवाए हैं, जिसको गाली दिए थे वो अरविंद दोस्त है हमारा। फोन करके बताया था आपकी हरकतें। इतने दोस्त काहे पाल रखे हो भैया? आपकी करतूतें बताने के लिए। बाहर कौन कौन से गुल खिलाते हैं आप? और लेटिए नहीं, अब कुछ खाना चढ़ा दीजिए। हम चढ़ाएं खाना? नहीं, हम चढ़ाएंगे खाना। पढ़ना तो आपको वैसे भी नहीं है ना, और वैसे भी आपके भविष्य का फैसला तो आपकी किस्मत कर ही रही है, तो कम से कम खाना ही बना दीजिए। छोटे, आज फिर मेहनत किस्मत के आगे हारी गई। एसएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ आ गई क्या भैया? हाँ, और तो पूरे साल भर किताबों के बीच रहने के बाद भी फिर से लटक गए। भैया मेरी मेहनत में ही कोई कमी रह गई होगी, इसी वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। और रही बात किस्मत की, तो भैया किस्मत कहाँ तक आपका हाथ पकड़कर साथ चलेगी? मेंस बहुत टफ आता है, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। कम से कम पापा गांव में सिर उठाकर कह तो सके कि कम से कम उनका एक ही बेटा सेलेक्ट हो गया है। चल ठीक है, तू नहा। और हाँ, ये बता पापा को क्या कहना है तेरे रिजल्ट के बारे में? कह देना नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन हाँ एक हफ्ते तक लगातार तू खाना बनाएगा। भाई अरे पापा, प्रीलिम्स वाले दिन शिवम को बहुत तेज बुखार था, हम तो कहे थे ना जाओ पेपर देने, फिर भी जिद करके पेपर देने चला गया बताइए। और पापा तब भी उसका केवल एक नंबर से प्रीलिम्स रुका है, अगली बार देखना पक्का तगड़े नंबर लाएगा। हाँ ठीक है पापा, ध्यान रखेंगे हम शिवम का। ठीक पापा, प्रणाम। शिवम कुछ खाने को चढ़ाओ यार। लो भैया फॉर्म भर गया। कितने रुपए हुए भैया? 100 रुपए फीस के, बाकी फॉर्म भरे। हो गए भैया। ठीक, शिवम भाई। अबे एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भरे हो? नहीं यार, अब तक घर वालों के हिसाब से चलते थे, अब अपने हिसाब से काम करेंगे हम। काहे क्या हुआ? अरे उन लोगों को क्या पता यार कि कौन सा फॉर्म भरने पर कितना पढ़ना पड़ता है, बस जो फॉर्म आए वो भर दो। यार मेरा उद्देश्य सिर्फ फॉर्म भरना थोड़ी ना है, सिलेक्शन भी तो लेना है यार। तो क्या करना है, कुछ सोचा? सोचना क्या है यार, अब डीएम बनने का पोटेंशियल तो है नहीं मुझ में, इसलिए बस एक ही एम है मेरा, एसडीएम बनना है मुझे। चलो सही है भाई, तेज तो तुम शुरू से हो, अगर किस्मत साथ दे जाए तो तुम बन भी जाओगे।
भाई किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अब पूरी मेहनत से इसी दौड़ में भाग लूंगा। मेहनत तो तू हमेशा करता आया है, लेकिन अव्वल नंबर आने के लिए तो हमेशा किस्मत से मात खाया है। हाँ, शायद इसीलिए कि वो नंबर्स मेरे जीवन में सेट किए गए उनसे कोई वास्ता ना रखते हों। अबे सुने, तुम्हारे भैया का प्रीलिम फिर से क्लियर हो गया? हाँ भाई, अभी रखता हूँ फोन, बाद बात करता हूँ। भैया तो अब मर्फियाबाज आदमी जैसे बिहेव करने लगे, बड़े भाई हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है उनको, तो हमारी जेब से पैसे निकाल कर जाते हैं पान खाने। अच्छा राघव भैया, ये बताओ, अरे कौन नई खबर? अरे काका, एक तो फ्री का पान नहीं खिलाते हो और ऊपर से मोहल्ले की आंटियों की तरह सारी अंदर की बात जानना है तुमको। है काका, मजा बहुत आता है ना। ज्यादा मजा ना लीन करो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ एक बात, मतलब इतना दिन से यहाँ आ रहे हो, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि भैया तुम का करत हो, कहाँ रहत हो। ए काका, पान मसाला सिगरेट की दोस्ती में पता और प्रोफेशन की क्या जरूरत है, बताइए। हैं, अब ये बताइए, इसमें आप तो हमारा नाम जानते ही हैं, हैं? और एक दूसरे को बुलाने के लिए उतना बहुत है, हैं? भैया सबसे ज्यादा पता आदि पान दुकान से पूछा थे, है ना? और तुम जो है भड़क गए, बताओ। अरे भड़क नहीं रहे हैं काका। अच्छा वो छोड़िए, एक कमाल की बात बताएं आपको, हम इतने समय से आपकी दुकान पे आ रहे हैं, आपको काका ही तो कहीं का बुलाते हैं, कभी आपका नाम जानने की कोशिश किए? क्या बात राघव भैया, बड़ी बहकी बहकी बात कह रहे हो, और परेशानी उठानी तो नहीं है? अरे परेशानी का, हम जिस दिन परेशान हो गए ना, उस दिन पूरी दुनिया को परेशानी हो जाएगी। और आपको पता नहीं, किस्मत हमारे साथ नहीं चलती, किस्मत के साथ हम चलते हैं, समझे हो? चलते हैं। नजर ना लागी राजा तोरे मंगले। शिवम भाई, क्या लगता है सिलेक्शन का? यार तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, क्योंकि अब मैंने अपनी लाइफ में सफलता के लिए कोई और ऑप्शन न रखकर सिर्फ एक ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। गिरते संभलते ठोकर खाते बस उसी रास्ते पर चलते जाना है, रुकेंगे नहीं। भाई अब चाय छान लो, नहीं तो जलकर खत्म हो जाएगी। अरे नहीं भाई। यार तुम कहीं कुंडली क्यों नहीं दिखाते हो? मतलब? यार तुम पढ़ने में इतने तेज हो, फिर भी कहीं को तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अरविंद, भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम अपना सिर्फ कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है, इसका अधिकार सिर्फ मेरे पास है। इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसके बारे में चिंता करने से क्या फायदा? चाय जूठी नहीं है भैया? तुम उधर बैठो जाके। भैया चाय रखी, छान लीजिएगा। भैया ये ले लीजिए, हम छान लेंगे। और हो गया तुम्हारा? ये लो किताब पकड़ो और जाओ, और कप रखो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हाजिर है आपका मोटिवेशनल स्पीकर
राघव बिंद्रा। बिंद्रा, ये आप सिंह से बिंद्रा कब से हो गए? अरे यार, तुम यार अपने काम से काम रखो ना, वीडियो खराब कर देता है हर बार। भैया, किस्मत से प्रीलिम्स निकल सकता है, मेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी पढ़िए और हमको भी पढ़ने दीजिए। अरे यार, तू जलता है मेरी तरक्की से। 6 महीने में एक बार रील डालने से रील वायरल नहीं होती है। आपका मेंस आने वाला है, मेंस किस्मत से नहीं निकलता, पढ़ लीजिए। बड़ा आया समझाने वाला मुझे। शिवम, दारू पी रखे हैं क्या आप? अबे यार, तू कभी अल्कोहल के पास गया भी है जो तुझे पता चल जाएगा स्मेल से मैं पी के आया हूं या नहीं? वो क्या है कि कभी आप ऐसे गले लगाए नहीं तो हमको लगा कि एक काम कर, तू अंदर कमरे में आ, तब बताता हूं। और हाँ, ये आज तक तू मुझे तुम करके बात करता था, आज अचानक से ये भाषा कैसे बदल गई? आप भी तो इससे पहले मुझे छोटे भाई की तरह कभी नहीं ट्रीट किए। बात तो एकदम सही है। वैसे ये सब छोड़िए, ये बताइए आज अभी तक खुश क्यों हैं? अरे यार, जे याद है आज से 8-9 महीने पहले मैं एक वीडियो पेपर देने आया था, हंसी मजाक में देने गया था। हाँ तो क्या कैंसिल हो गया? अबे कैंसिल नहीं हुआ, किस्मत बेटा किस्मत, रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मतलब वीडियो में सिलेक्शन हो गया? वीडियो में? अरे भैया, अभी मैं अपने कप से पैसे निकाल कर आपके लिए समोसा कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगा, आज रात को तो पार्टी की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एक बात कहूंगा छोटे, आज फिर किस्मत तेरी मेहनत के आगे दाव खेल गई। मैं फिर कहूंगा भैया कि शायद मेरी मेहनत में ही कोई कमी रह गई होगी। पंद्रह मिनट बाद अल्फाज नगर की फाइल अंदर ले आना। March 24, 2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया था कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में आयोजित लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में धांधली की शिकायत हुई थी और इस पर जांच भी चल रही थी, लेकिन परीक्षा रद्द क्यों की गई UPSSC ने इसकी कोई वजह नहीं बताई थी। हाँ भैया, न्यूज देखी क्या आपने? अरे यहाँ गांव में इतना इंटरनेट कहाँ चलता है छोटे, क्यों क्या हुआ? भैया वीडियो 2018 की भर्ती जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था वो कैंसिल हो गई है, अब री एग्जाम होगा। री एग्जाम? साला अब आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है, कैसे निकालूंगा एग्जाम फिर से?
छोटे, आज किस्मत हारी गई मेहनत के आगे। नहीं भैया, इस बार किस्मत ने मेहनत का हाथ पकड़कर दो कदम साथ चला है। क्या मतलब? कुछ नहीं भैया। चल अच्छा छोटे, अभी रखता हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है भैया। शिवम भाई, शिवम भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्या है कि एक्साइटमेंट, ये मिठाई किसको जिम भाई? अबे साले, तुमको क्या लगा? बताओगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम पीसीएस मेंस क्वालिफाई कर गए हो। साले, मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया, तुझे कैसे पता चला? याद है उस दिन बुक लेके गए थे? हाँ तो? हाँ तो क्या, उसमें तुम्हारा एडमिट कार्ड रखा था तो मैंने फोटो खींच लिया था। आज देखा सेलेक्ट हो गया। यार तुझे पता है मेंस के दो दिन पहले ना मुझे तेज बुखार आ गया, बिना कुछ रिवीजन किए मेंस देने चला गया। लेकिन उस दिन पहली बार मेरी किस्मत भी मेरा साथ दे गई थी दोस्त। एक महीने में जितने भी सेट सॉल्व किए थे सब पढ़ा हुआ आ गया था। चलिए ये ले मिठाई का। अरे तू पहले मिठाई खा। शायद अब आप लोग भी मेहनत और किस्मत के बीच कनेक्शन समझ गए होंगे। किस्मत मेहनत का संपूरक है और किस्मत हमेशा दिल से मेहनत करने वालों के साथ चलती है। जब कभी भी मेहनत के सामने कोई लाइफ चेंजिंग बाधा आती है तो किस्मत मेहनत का हाथ पकड़कर उस बाधा पर विजय प्राप्त करवाती है। और श्री कृष्ण जी भी तो कहते हैं कि व्यक्ति के लिए कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति एक अच्छी नियत के साथ, अपनी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए कर्म करता है तो वह निश्चय ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो गाइस, आई होप इस शॉर्ट फिल्म से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की है www.m2rentertainment.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर हमने आपके लिए कोर्सेज बनाए हैं। जितने भी बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, और ना सिर्फ सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं बट वो कुछ एग्जाम की तैयारी के साथ साइड अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल दो कोर्सेज पढ़े हैं, सपनों की उड़ान फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स एंड सपनों की उड़ान फॉर दोज हु वॉन्ट टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो मेहनत तो करते हैं बट क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं पढ़ाई की, वो सारी की सारी हमने उस कोर्स में आपको बताई हैं। वो कोर्स आपको लिटरली बहुत हेल्पफुल करेगा। अभी तक जितने बच्चों ने उस कोर्स में एनरोल किया है, जिनके फीडबैक्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। आप देखोगे आपको पसंद आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, जाके देखिए और उस कोर्स में एनरोल कीजिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।